प्रद्युम्न हत्याकांड में एक नया मोड़ आया। 11वीं कक्षा के एक बच्चे को आरोपी को गिरफ्तार किया है सीबीआई ने और उससे पूछताछ चल रही। हम बात कर रहे हैं प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर जी से। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं इस पूरे न्याय की इस लड़ाई में? देखिए, जो होप थी लोगों की सीबीआई से, आज डेफिनेटली वो उस पर खड़े उतरे हैं। हालांकि अभी मैटर और इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है फर्दर उनकी, लेकिन जो प्राइमरी है, जो प्राइमरी रिजल्ट वो लाए हैं, जिसको उन्होंने डिस्क्लोज़ किया है, तो वो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री है। लोगों के मन में एक आस तो ज़रूर जगी है कि हाँ, जस्टिस है। क्योंकि मन में लोगों के शुरू से ही आशंका थी कि पुलिस ने जैसे अशोक को सामने लाई थी कि यही कल्प्रिट है और इसी ने सब कुछ किया है, वो किसी को भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। कि मतलब जिस तरह की थ्योरी पुलिस की थी कि उसने असॉल्ट करने की कोशिश की और उसने मर्डर कर दिया, तो वो कहीं आदमी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी पब्लिक। क्योंकि आपका और प्रद्युम्न की माँ का लगातार ये कहना था कि सच्चाई कुछ और है, जबकि तमाम लोग ये कहे जा रहे थे, जांच एजेंसी पुलिस हो या बाकी और एजेंसियां, कि नहीं, इसके पीछे कोई और है और सच में ये चीज़ बाहर आ रही है। जी, तो अब वो ऑटोमेटिकली आज प्रूफ हो गया है कि जो मन में डाउट था वो जेन्युइन था और उसमें सच्चाई थी। कितनी उम्मीद लगती है कि अब बहुत सारी और चीज़ें सामने आएंगी कि किसने अशोक को सामने किया, किसने सबूत मिटाए, क्या क्या उसमें भी जांच? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से वो भी जांच का अभी पहलू है जिस पे सीबीआई जांच कर रही होगी और उसके भी रिजल्ट सामने आएंगे। और जहां तक आप मुझसे पूछते हैं कि उम्मीद कितनी है, तो जिस तरह से इस मामले को स्टार्टिंग से ही सुप्रीम कोर्ट ने और सीबीआई ने इस मैटर को लिया है, तो होप तो उसी समय सबके मन में था कि मतलब इसमें जस्टिस ज़रूर मिलेगा और आगे भी इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए भी कुछ ना कुछ सख्त कानून बनेंगे जिससे कि इन चीज़ों पर रोक लगेगी। इन चीज़ों को आपका जो आपने ट्रस्ट बनाया है वो भी इस लड़ाई को लेकर आगे चल रहा है कि भविष्य में कोई भी प्रद्युम्न इस तरह की घटना का शिकार? जी बिल्कुल, आज मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह की घटना मेरे बच्चे के साथ हुई है, वो किसी और के साथ ना हो। अगर उसके लिए मैं अपना 10% भी इनपुट दे पाया, तो मुझे लगेगा कि हाँ, मैंने उस बच्चे को सच्ची श्रद्धांजलि दी। जब अशोक पकड़ा गया था तो आप लोगों के मन में आशंकाएं थी, लेकिन अब ये मामला आने के बाद अभी भी कोई आशंका, कोई शक है? देखिए, आशंका मन में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये फर्दर और इन्वेस्टिगेशन इसमें बाकी है और वो मेरे हिसाब से चल रही होगी। हालांकि सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट तो कुछ हमसे नहीं शेयर किया है, बट मुझे लगता है कि अभी चीज़ें हैं जो उनको और इन्वेस्टिगेट करके सामने। अभी पूछताछ में और क्या चीज़ें उन्होंने पूछी आपसे, क्या क्या? नहीं, आज उन्होंने हमसे कुछ ऐसा पूछा नहीं। आज उन्होंने हमें सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए बुलाया था कि हमने उस एक बच्चे को इस केस में वो किया है, डिटेन किया है, और हमारे अभी तक के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से वो इसमें एक्यूज्ड है। वो चीज़ें गले उतरने वाली है। देखिए, एक जो रीजनिंग है, वो रीजनिंग जो मैंने सुनी है, वो रीजनिंग तो बहुत स्टूपिड सी है अगर उसके लिए किया है, लेकिन हो सकता है कि हमारे लिए वो रीज़न स्टूपिड सा हो, बट उस बच्चे के ब्रेन में वो डिसीजन, वो मतलब रीज़न कितना बड़ा था जिसकी वजह से उसने किया, तो वो उसका सोचना है। मतलब हर आदमी का अप्रिहेंशन अलग अलग हो सकता है।